नमस्कार दोस्तों, स्टेट मेल टीम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम, और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे स्टेट मेल टीवी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है एक्सप्लोर माय सिटी में। तो आज हम पहुंचे हैं खाटू श्याम मंदिर में, और हम आज पंडित जी से बात करेंगे, मंदिर के बारे में कुछ जानेंगे, खाटू श्याम जी श्याम बाबा के बारे में कुछ जानेंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बोलो जी। सबसे पहले पंडित जी, हम मंदिर में आए हैं, तो सबसे पहले मैं खाटू श्याम जी के बारे में कुछ जानना चाहूँगी आपसे, उनके बारे में कुछ आप हमें बताइए। खाटू श्याम जी ये शीश का दानी है, हरे का सहारा है, श्याम बाबा हमारा है। वैसे तो बता दें बाबा श्याम की परिचय, कंटकटा का लाल है, और कंटकटा का लाल है भीम का पोता है। बर्बरी किसका नाम था, श्याम नाम इसको बाबा कृष्ण भगवान ने दिया अपने वरदान में, इसने शीश का दान दिया तो इसलिए इसको वरदान मिला। श्याम बाबा का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, बहुत वो देने वाला है, संकटों को दूर करने वाला है, इसकी कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं। पंडित जी, जैसे कि हम देखते हैं श्याम बाबा हमेशा सिर्फ उनका फेस दिखाया जाता है, बाकी ये जैसे आपने बहुत अच्छी इनकी सज्जा कर रखी है, तो ये शीश ही क्यों दिखाया जाता है? शीश का बेटा, इसको शीश का वरदान दिया है। शीश कलयुग में ये शीश का दान ही है, और शीश को इसको दान में दिया था भगवान कृष्ण ने, इनको शीश का दान मांगा था महाभारत के समय में कि भाई जो शीश का दान देगा अर्जुन और भगवान कृष्ण और तीन बलवानी थे, एक ये घटोत्कच का पुत्र मतलब बर्बरी, तो इनने कहा कि शीश का दान मैं दूंगा, तो मेरी कृपा दृष्टि मतलब मेरी युद्ध देने की इच्छा है, तो भगवान ने इसको कृपा दृष्टि का वरदान दिया। वरदान देने के बाद में भगवान ने कहा कि भाई युद्ध देख लिया, तेने क्या देखा? कि बोला मैंने तो एक भगवान के सुदर्शन चक्र को चलते देखा, ना किसी का तीर देखी ना तलवार देखी, और द्रौपदी को देखा जो रक्त पान कर रही थी। तो भगवान ने खुश होकर के अपना नाम और रूप दोनों दे दिए कि आज से मैं तेरे को अपना नाम देता हूँ, श्याम बाबा नाम से तुझे पुकारेंगे, कलयुग में तेरी घर घर में पूजा होगी, और मैं आज से नाम और रूप दोनों देता हूँ। तो ये भगवान का नाम जो है ये श्याम पड़ा, और श्याम बाबा का मतलब ये असली शीश का दान है, शीश की पूजा होती है। धड़ तो इसका रिंगस में है, और पाताल बताते पैर पाताल में है, और शीश इसका खाटू में, खाटू में प्रकट हुआ ना ये गंगा जी के अंदर प्राप्त कर दिया गया था शीश, तो खाटू के अंदर प्रकट हुआ, खाटू में मंदिर बनवाया गया, हजारों साल पुरानी बात है, तो मतलब मंदिर बनवाया वहीं, मतलब शीश निकला ये बाबा का, तो शीश की पूजा होती है। पंडित जी, इस मंदिर को कितना समय हो गया? इस मंदिर को जी 50-60 साल हो गए, ये फतेहाबाद में 30-32 साल तो मेरे को हो गए यहाँ आए हुए। मेरे से पहले प्राचीन ये मंदिर बना हुआ था, ये डॉक्टर सुभाष हमारे प्रधान है, उनकी माता जी ने मंदिर प्रस्तुत किया था 50 साल। चिल्ली पे बताते हैं कि बाबा की मूर्ति निकली थी, जब से ही मंदिर चला आ रहा है। तो पंडित जी, यहाँ पे आप जैसे जन्माष्टमी पे या शिवरात्रि पे ऐसे कोई त्यौहार भी मनाते हैं यहाँ पे? त्यौहार मनाते हैं, जन्माष्टमी प्रोग्राम करते हैं, बाबा का श्रृंगार करते हैं, बढ़िया अच्छा सजावट करते हैं, झांकी वगैरह सब कुछ बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद जन्माष्टमी पे दिवाली पे प्रोग्राम तो बाबा के चलते ही रहते हैं, साल में कम से कम 10-20 प्रोग्राम तो होते ही होते हैं मंदिर में, बढ़िया से ढंग से प्रोग्राम होते हैं। अभी साल भर में सालाना एक उत्सव मनाते हैं, 12 दिसंबर को बाबा की प्रतिष्ठा हुई थी नए मंदिर की, पुराना मंदिर तो माला पहले टूट करके दोबारा बन गया ना, इसको 17-18 साल हो गए अपने निर्माण, इसका 17-18 साल हो गए, नया मंदिर अभी बना है, तो इसकी पूजा मतलब ये है कि अब चल रही है। पहले जो मंदिर था वो बाबा का मूर्ति हमने बीगढ़ भेज दी, अभी नई मूर्ति मंगा लेकर के जब स्थापित की है। हाँ पंडित जी, यहाँ पे आप जैसे सेवा करते हैं, लॉकडाउन में मंदिर बंद थे तो आप सेवा कैसे करते थे? सेवा तो हम बदस्तूर करते रहे, अपने गेट से आते, गेट बंद कर लिया, अंदर आ गए, सेवा पूजा करी, आरती करी, भोग लगाया, बाबा को विश्राम कराया, चले गए, फिर आरती करी, फिर भोग लगाया, फिर चले गए, मतलब पांचों आरती पांचों टाइम करते थे, आरती एक भी दिन बंद नहीं करी। अभी तक बाबा की ऐसी कृपा है, जब से आरती चली है जब से चली रही है, कोई इसमें डिफेक्ट नहीं हुआ, चलती रहती है, बढ़िया अच्छी सेवा पूजा चल रही है बढ़िया ढंग से। सर, पंडित जी, यहाँ की लोग जब आते हैं तो उनकी मान्यताएं जो वो मानते हैं, मन्नत पूरी होती है, हारे का साथ ही है, हार करके इसी शरण में जो आ जाता है, और नए नए भक्तों को श्याम तरस स्वीकार करे, जो नया नया भक्त बाबा के दर पर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि नए नए भक्तों को बाबा बहुत जल्दी पकड़ता है, पुराना होता है उसको कहता है पीछे हट बेटा, अब पीछे की साइड में जा, नए नए भक्तों को पकड़ता है और पुराने को हटाता है पीछे, तो नए नए भक्त होते हैं जो मनोकामना लेकर के मनोकामना पूर्ण होती है,
ऐसी कोई बात नहीं, बाबा के मंदिर में हर एक आता है तो हर एक का साथी है, हार करके तीसरण में आ गया था बस बेड़ा पार है। हाँ पंडित जी, आप जो नास्तिक हैं जो लोग, उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? बेटा नास्तिक और परमात्मिक तो बात ऐसी है, नास्तिक जो नास्तिक ही रहेंगे उनको आस्तिक कोई नहीं बना सकता, परंतु नास्तिक भी अपने जीवन जी रहे हैं और हम भी अपना जीवन जी रहे हैं। ये कर्मों का फल है, जो कोई नास्तिक है या कोई परमात्मा की तरफ ध्यान है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं करा रहा हूँ और जो कुछ करता हूँ मैं कर रहा हूँ। तो ये नास्तिक जो होते हैं अपने हिसाब से चलते हैं, इनको कौन बल दे सकता है? जी कोई नहीं बल दे सकता, नास्तिक तो नास्तिक होते हैं, अड़ंग उड़ंग करना, गाली गलौज करना, पीना खाना, ये तो उनका काम है। ये थे हमारे साथ यहाँ जो सेवा में हैं पंडित बाबूलाल जी, और उन्होंने हमें श्याम बाबा के बारे में बहुत अच्छा बताया, समझाया। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मंदिर ज़रूर जाएं, सुबह 5 मिनट हमें निकालने चाहिए कि हम मंदिर जाके अपनी जो हमारी एक सभ्यता है उसको बनाए रखें। हम कल फिर हाजिर होंगे नए चेहरों के साथ, नई बातों के साथ। टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बने रहिए स्टेट मिल टीवी के साथ। नमस्कार।